है तो कोटो व्यापार मंडल के सहयोग से उनको अपने दुकानों तक सीमित रखने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। दूसरे इसमें हम लोग कुछ लोगों ने जो है एकल मार्ग निर्धारित किया है कि जो कि एक तरफ से वाहन आए और दूसरी तरफ से वाहन जाए। उनके शहर में जो है हमारे पास बाईपास भी बन चुका है तो बाईपास से जो है चार पहिया वाहन जो है जाने की व्यवस्था की जा रही है, उसको हम लोग उसका सड़क उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुद अपने मातहतों के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर जाकर मौका मुआयना कर रहे थे और यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए वो लगातार अपने मातहतों को बता रहे थे और जो कुछ लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। लेकिन जिस तरह से अब शादी सीजन है तो उम्मीद यही है कि ये जाम का झाम लगातार अब शहर में बना रहेगा। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।